वेल हेलो गाइस, स्वागत है आपका RsdVerse के एक और वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर 3 के ट्रेलर के ऊपर, जिसमें हमारे सलमान भाई जो है वो सलमान भाई नहीं रहे, क्योंकि अगर उनके पुराने मूवी की बात करें ना, तो भाई उसके अंदर देखोगे आप कि वो सिक्स पैक दिखाने से पीछे हटते नहीं थे। जब मन किया सेट उखाड़ो और फेंक दो बेंच। लेकिन सलमान भाई अब वो वाले सलमान भाई नहीं रहे जहां पर मूवी का कंटेंट कुछ और बोलता था और सलमान भाई कुछ और। जहां पर रेडी जैसी मूवी है उनकी सुपर हिट हुआ करती थी, वो दौर अब गया, क्योंकि ट्यूबलाइट जैसी मूवी भी फ्लॉप होती है भाई। सलमान भाई की मूवी फ्लॉप होती है, जो कि आपने रिसेंटली देख लिया होगा। लेकिन वहीं पर सलमान भाई ने निकाला यहां पर टाइगर 3 का ट्रेलर, जिसमें लोग सलमान भाई के ट्रेलर के ऊपर तो बात करेंगे, साथ ही साथ कैटरीना कैफ के ऊपर तो बात करना बनता ही है ना, क्योंकि भाई देख ही लियोगे अभी तक। अरे भाई नहीं देखा तो जाके देखो, ट्रेलर में क्या रोमांटिक सीन है भाई, मतलब खैर छोड़ो। तो इसी के साथ अपना वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जहां पर मैं बताना चाहूंगा तुमको कि क्या पठान जो है 1000 करोड़ पार की थी, तो क्या ये भी पार करने वाली है। तो उसी के साथ मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ये है कि क्या उसके अंदर हमारे सल्लू भैया आए थे पठान के अंदर, तो क्या 1000 करोड़ पार की थी? हाँ बिल्कुल की थी। तो क्या इसके अंदर हमारे SRK भैया आएंगे तो क्या पार करेगी? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली करेगी। लेकिन क्या ये पठान को पीछे छोड़ेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 110% ये पठान को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि पठान ने 1000 करोड़ पार किया था, तो ये 1200-1300-1400 करोड़ तो आराम से पार करेगी। इसके पीछे रीज़न भी है ना, क्योंकि भाई पहली ऐसी मूवी है एजेंट वाली हमारे इंडिया के अंदर, हमारे YRF यूनिवर्स के अंदर, जहाँ पे 2 डार्क टोन सेटअप है। क्योंकि अगर वहीं पठान की बात करें तो पठान जो है एक टोन में सेटअप थी, लेकिन अगर इसकी बात करें ना, तो भाई ये यहाँ पे 2 टोन दिख रहा है। एक आपको देखिएगा टाइगर का खुश मिजाज माहौल वाला, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड, जहाँ पे एक अलग टाइप का सेट दिया गया है कलर का, जो कि आपको दिखेगा फ्रेम के अंदर। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो जब वो मिशन पर निकलता है तो उसका जो टोन है वो अलग टाइप से सेटअप है, जहाँ पे आपको 2 टोन तो देखने मिलता ही है टाइगर भैया का। साथ ही एक चीज मेरे को ट्रेलर में बहुत ज्यादा भाई, वो है हमारे इमरान हाशमी भैया। मतलब हम लोग आज तक देखते हैं कि इमरान हाशमी भैया एज ए लवर बॉय कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहीं मुंह मरा रहे हैं तो कहीं दूसरे जगह मुंह मरा रहे हैं। लेकिन भाई इस ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज सरप्राइजिंग फैक्ट था, वो है हमारे इमरान हाशमी भैया, क्योंकि इमरान हाशमी एज अ विलेन इज रियली रियली अमेजिंग मैन। मतलब देख के मजा आ गया। मतलब बोलो कि भाई कोई विलेन हो सकता है बहुत ही दर्दनाक, तो वो इमरान हाशमी अगर बनेंगे तो हो सकते हैं, क्योंकि ये बंदा सिर्फ चुन चुन कर नहीं मारेगा टाइगर को, ये बंदा सिर्फ पीट पीट कर, खोद खोद कर, रेत रेत कर नहीं मारेगा टाइगर भैया को, बल्कि दिमाग से मारेगा, मतलब कि ट्रॉमेटाइज करके मारेगा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बंदा टाइगर को पूरा ट्रॉमेटाइज कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए इसका दिमागी मानसिक संतुलन को बिगाड़ देगा, तो उस समय टाइगर के पास 2 रास्ते होंगे। क्या वो अपने देश को बचाएगा सेम टाइम पे, या अपने फैमिली को बचाएगा? जब ये सिनेरियो बनेगा ना टाइगर भैया के सामने, तब उसको एक ही चीज चूज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैक्सिमम एजेंट जो होते हैं अपने देश के लिए जान भी देते हैं, लेकिन भाई फैमिली तो फैमिली होती है, तो भाई फैमिली को कैसे छोड़ दे? जब इस मुद्दे पे बात उठेगी तो टाइगर भैया क्या करेंगे भाई? फंस गए, फैमिली बचाओ कि देश बचाओ, आपका क्या सवाल है? लेकिन मैं आपको बता चलूंगा, इस सिचुएशन में जब फंसेंगे ना भाई, इसमें टाइगर 3 में जब हमारे सलमान भाई, तो सिर्फ एक ही आदमी उनको बचाएगा, वो होगा हमारा पठान का एंट्री भाई। SRK भैया एंट्री मारेंगे और उनको इस असमंजस से बाहर निकाल के अलग दुनिया में लाएंगे कि भाई मैं भी हूँ, भूल गए क्या, आए थे ना पठान में, तो मेरे को भी तो आना पड़ेगा ना भाई। इसलिए इसके अंदर जो है ये वाव फैक्टर होने वाला है, क्योंकि तालियां बजेगी, सीटियां मारेंगे लोग और हुटिंग होगी पूरी, और ये मूवी आराम से 1000 करोड़ पार करेगी। लेकिन क्या ये मूवी सही में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है? क्योंकि ऐसा पहले भी देख चुके, टैक्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ क्या हाल हुआ था पता है ना वायर फॉलो का, तो भाई समझ जाओ। लेकिन फिर भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे को देख के ही पता चलता है, एक बार मैं मूवी देख के बताता हूँ बैन चौधरी चलेगी कि नहीं चलेगी। क्योंकि अगर इस मूवी की बात करें तो ट्रेलर देख के एक ही चीज़ दिमाग में दौड़ती है कि भाई एक्शन तो भर भर के है, वो सबसे बढ़िया एक्शन सीन तो मेरे को जो पसंद आ रहा है वो तो होगा भाई हमारा ब्रिज वाला, क्योंकि ब्रिज एक्शन सीक्वेंस देखना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसी के साथ ही साथ बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस होते हुए भी ये एक डार्क थीम को थोड़ा सा फॉलो करती है कि भाई ट्रॉमेटाइज होकर एजेंट क्या करता है, ट्रॉमा में एजेंट क्या कर सकता है, ट्रॉमा में अगर 2 ऑप्शन हो उसके पास तो एक को कैसे चूज करेगा, क्या चूज करना चाहिए उसको। क्योंकि हम लोगों ने टाइगर को हमेशा लड़ते हुए देखा है, मारते हुए देखा, हल्क वाला रूप तो देखा ही है कि कहीं भी आए पहुंचे और मार दिए मैन चोर। लेकिन क्या टाइगर जो है वो मेंटली भी स्ट्रांग है या फिर फिजिकली नहीं दिखता है? क्योंकि इसके अंदर सब पता चल जाएगा कि मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। इमरान हाशमी उसके सारे पोल खोल देगा कि भाई तुम मेंटली कितना स्ट्रांग हो, क्या तुम टिक पाओगे मेरे सामने,
एक मिनट भी, मतलब समझ रहे हो ना, रात वाला एक मिनट नहीं, दिन वाला बात कर रहा हूँ। तो बस यही पे क्वेश्चन उठता है कि क्या ये मूवी खड़े उतरेगी टाइगर को दिखाने के लिए कि क्या टाइगर जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्या उसका बहुत ज़्यादा पावर है रात का भी और दिन का भी, समझ रहे हो ना, बस समझ जाओ यार। तो इसी के साथ ओवरऑल अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको और ज़्यादा देखना चाहूँगा। ये एक लौती ऐसी मूवी होगी सलमान भाई की जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका नहीं पता लेकिन मैं इसके पहले आज तक कोई मूवी नहीं जिसके लिए मैं एक्साइटेड था टाइगर का देखने का, लेकिन भाई यहाँ सलमान भाई ने टाइगर जब से निकाला है ना, क्योंकि पिछले पार्ट की बात करो इतना एक्साइटेड नहीं, लेकिन इसके ट्रेलर देखने के बाद भाई गजब ही अंदर से खुन्नस भरा हुआ है कि भाई अभी दिखा दो मैनचोद, अभी दिखा दो नहीं तो डायरेक्टर को ठोकाऊंगा, इतना खुन्नस भरा है सोच लो। क्योंकि ये मूवी मेरे को लग रहा है कि ये 1000 करोड़ आराम से पार करेगी और पठान का रिकॉर्ड तो आराम से तोड़ेगी। खैर मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया, आपका क्या है मुझे कमेंट में बता देना। खैर आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो भर भर के कर दो लाइक। और सलमान खान के फैन हो ना तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो चली मत जाना, क्योंकि सलमान खान की पॉलिसी है कि खान भैया जो हैं वो बोलते हैं कि सब्सक्राइब करके जाओ, अपना तो काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, तुम ही तो हो यार सब कुछ।